दोस्तों आज हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और अगर आपको ज्यादा आसन का अनुभव नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो सिर्फ माइक्रो एक्सरसाइज करने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और इसको कई बार रिपीट करके इसके फायदे उठा सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमेशा राइट लेग से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जो राइट पार्ट होता है वो सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करता है और लेफ्ट पार्ट चंद्र नाड़ी यानी ईरा नाड़ी को सक्रिय करता है। तो जैसा कि सूर्य नमस्कार नाम में इसका प्रभाव दिखता है तो हम इसे लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। 1 प्राणायाम आसन, श्वास की गति सामान्य, अब श्वास भरते हुए हस्तोत्तान 2, इतना हो सकता है इतना करें। 3 एक्सेल करते हुए हाथों को जमीन पर टच करें, करने में असुविधा हो तो हल्का सा नी बेंड कर लें। अब श्वास भरते हुए राइट लेग पीछे जितना हो सकता है, ऊपर की तरफ देखें, स्ट्रेच करें बॉडी को। अब एक्सेल करते हुए 5 पर्वतासन, यहां पर हम इसकी जगह पर चतुरंगा दंडासना भी कर सकते हैं। हेड को नीचे ड्रॉप रखें, इस पोजीशन में रुकें। अब श्वास को बाहर रोकते हुए अष्टांग नमस्कार 6 पोजीशन, टो को फ्लैट करें। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन, इतना करने में अगर असुविधा है तो एल्बो को हल्का सा बेंड करें। अब इनहेल करते हुए वापस से पर्वतासन 8 पोजीशन, अब राइट लेग ही आगे आ जाएगा। इनहेल करते हुए अश्व संचालन टो फ्लैट 9, स्ट्रेच करें बॉडी को। एक्सेल करते हुए पादहस्तासन 10th पोजीशन, अब इनहेल करते हुए हस्तोत्तान 11 एंड 12 प्रणाम आसन, श्वासों की गति सामान्य। अब लेफ्ट लेग से प्रणाम आसन 2 हस्तोत्तान 3 पादस्तासन, लेफ्ट लेग 4 अश्व संचालन 5 पर्वतासन 6 अष्टांग नमस्कार 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 अश्व संचालन 10 पादस्तासन 11 हस्तोत्तान 12 प्राणायामासन। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसे रिपीट करते जाएं। इसके बाद शरीर को आराम दें, स्पाइन को आराम दें, रोल करें धीरे से सहजता से, बैक को रोल करते हुए शवासन की पोजीशन में आ जाए। कोई भी आसन करने के बाद शवासन जरूर करें, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आराम की स्थिति में आ जाती है। कुछ पल ऐसे ही बने रहें। दोस्तों सूर्य नमस्कार उन्हें नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, हार्निया का इशू हो, उन्हें अवॉइड करना चाहिए।
और जिन्हें पीठ की गंभीर समस्या हो वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और तभी इसे करें। बाकी अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से सहजता से जितना हो सके इसे ज़रूर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।